बड़े बच्चों को मौका देती है, फिर ऐसे छोटे बच्चों को मौका नहीं देती है, वे छोटे बच्चों को मौका फिर नहीं देती है। और जो हमारे स्कूल के ड्रेसेज है उन्हें भी वे मतलब वहीं पर ये कब से और धूप भी नहीं दिखाती है। उद्यान मतलब जो आपने ये स्कूल में हमारा जो उद्यान है उसमें आपने अभी तक में कितने गमले दिए हैं? अगर हुआ आपने 50 साल में बताया 50 गमले दिए हैं तो उसमें पानी अच्छे से पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उसमें खाद जा रही है नहीं जा रही है, पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा एक शिकायत है जिसमें सभी जो आपके अधिकारी हैं क्लास में वह भी मतलब आपके अलावा कोई सक्रिय नहीं है। और तीसरा मेरा क्वेश्चन है, आपने एक बार बताया था कि गुड़हल P22 की आपने एक प्रजाति बताई थी वो है स्कूल में, आपको पता है मुझे पता है सभी हमारे शिक्षकों को पता है हमारे सांसदों को भी पता नहीं शायद, तो आप बता सकते हैं कि हम उसकी पहचान कैसे करेंगे उस पौधे की? और एक शिकायत और थी छोटी सी, 10 गमले जो आपने मतलब जो 50 गमले दे रखे आपने उसमें 10 गमलों में मतलब सीढ़ी के मतलब मंच के जो नीचे सीढ़ी है उसमें 2 गमले, बाहर जो हमारी क्या बोलते हैं गैलरी है उसमें 3 झाड़ मतलब 3 पेड़, और क्या बोलते हैं टेंथ के नीचे जो सीढ़ी है वहाँ पे एक पौधा हो गया, और जो साइड में जो आपने साइड रखे उसमें से 3 गमले वो हैं जो सूख चुके हैं। आप आपके चाहे आप देना दें पर लेकिन आपके सक्रिय अधिकारी को देना सक्रिय अधिकारी को देना जरूर चाहिए, तो आप हमें सुनिश्चित कीजिए कि ये हमारा जो हमने जो मैंने शिकायत की आपसे वो कब तक पूर्ण होगी। धन्यवाद। Thank you.
क्योंकि शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से यदि स्टूडेंट घूमेंगे
काम करती है, ये कहाँ पे यूज होती है और किस चीज किस हिसाब से हम इसको अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो जो इसकी डेट हमने फिक्स करी है वो करिए जनवरी फर्स्ट वीक में। और जो थर्ड थीम है हमारे स्कूल के लिए जो है वो है हमारा वार्षिक उत्सव एनुअल फंक्शन। तो जो एनुअल फंक्शन है वो हमारे स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप सभी को पता है, तो इसीलिए इसकी जो हमने डेट फिक्स करी है वो है अप्रैल फर्स्ट वीक में। थैंक यू सो मच। में तीन प्रस्ताव के बारे में रखा गया, एक तो है सरस्वती यात्रा, दूसरा है शैक्षिक भ्रमण और तीसरा है वार्षिकोत्सव। तो सरस्वती यात्रा दिसंबर के अंतिम माह में कराने के लिए जितने भी सांसदों की सहमति है वे अपनी सहमति बताएं। तो शैक्षिक भ्रमण के लिए कितने सांसद सहमत हैं? मैं इस विषय पर मतदान कराना चाहूँगा क्योंकि ऐसे में कुछ पता नहीं। कोई ऑब्जेक्शन हो तो, अगर किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तीन सांसदों का कोई ऑब्जेक्शन है तो बता सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि हमारे कार्य मंत्री मतलब पहन से पूछा गया, उन्होंने बताया कि शैक्षिक भ्रमण, तो शैक्षिक भ्रमण में मतलब इस बार हम इसलिए इसको खारिज करने आते हैं क्योंकि ये अप्रैल माह में होना सुनिश्चित हुआ है, जिस कारण हम इसे इसलिए खारिज कर रहे हैं क्योंकि मार्च में हमारे बोर्ड कम्प्लीट हुए होते हैं, मार्च के मतलब अंतिम सप्ताह में हमारे बोर्ड कंप्लीट हुए होते हैं और अप्रैल में सब तरह की एडमिशन हो रहे होते हैं। हमारा मतलब जो हमारे नए बच्चे आते हैं जैसे 606 और 909 और जो मतलब आठ मतलब किसी भी क्लास में नए बच्चे आते हैं तो वो फिर मतलब उसी समय आते हैं, तो हमारा मतलब उस समय हो नहीं पाएगा शैक्षिक भ्रमण कि कहाँ जाना है क्या करना है। और हमने अगर इसमें थोड़ी डेट चेंज करी तो हम इसमें सहमत होते हैं, लेकिन ये डेट सिर्फ अप्रैल की निश्चित ही है, तो हम इसमें सहमत नहीं है। और क्या बोलते हैं ये, इसलिए हमारा विपक्ष इस शैक्षिक भ्रमण के प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों को शायद मैंने बता दिया है, आप लोगों को अपनी कॉपी में अनुसार नोट नहीं करा होगा, बट मैं बता दूँ कि जो हमने शैक्षिक भ्रमण की जो डेट हुई है वो बोली जनवरी के फर्स्ट वीक में। शायद आपको सुनने में शायद गलती हुई है, आपका ध्यान यहाँ दिए कहीं और है, प्लीज़ संसद भवन में ध्यान दीजिए और जिस चीज़ पर आप ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उसको पहले अच्छे से सुनिए, यहाँ पर विपक्ष में भी हमारे पास उपस्थित हैं, तो दो वोटों के अंतर से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है और तीसरा प्रस्ताव है जब
फिर से मीटिंग बैठी जाएगी, फिर तब उसमें हम इसका निर्णय करेंगे कि कब होगी। प्रश्नकाल और प्रस्ताव को रखने के बाद अब मैं आज की मीटिंग को अगले माह की 23 तारीख के लिए स्थगित करना चाहूँगा तथा आज की मीटिंग को इतनी समाप्त करना चाहूँगा।